हेलो गाइस, आई एम रवि अग्रवाल। वेलकम सी ऑल अंडर ऑन कोडिंग चैनल कोड फ्रिक्स मेड बाय यू मेड फॉर यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दो जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुके हैं, जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। तो वो यहाँ पे क्या था कि ना, बेसिकली आपको काफी सारे वर्ड्स दिए हुए थे, उनको छोड़ दो। अब ये जैसे एक वर्ड है, ठीक है, इसको प्रेफिक्स सफिक्स वाले मेथड से करो। प्रेफिक्स सफिक्स वाला मेथड कौन सा था भैया? जिसमें क्या कर रहे थे अपन, जैसे मान लो एक कैट है, ठीक है, तो अब कैट में हो सकता है ना सी अलग से प्रेजेंट हो और ए टी अलग से प्रेजेंट हो। तो जितनी भी इसकी पॉसिबिलिटीज है, मतलब कि जैसे पहले अपन ने सी अलग किया, फिर अपन ने बोला सी और ए को अलग करो, टी को अलग से चेक कर लो, एंड सोन ये सारे चेक करते रहो। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उतनी की सारी के सारी चेक कर लो कि क्या इनके जो प्रेफिक्स है या फिर इनके जो सफिक्स है वो प्रेजेंट है क्या। दोनों प्रेजेंट हो गए तो अपना वर्ड बन जाएगा, यानी कि तो बस यहीं पे अपन बोल देंगे हाँ ये वाला जो वर्ड है वो कॉन्केटिनेटेड वर्ड है। अच्छा, अब जिसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। यहाँ पे क्या था कि ना, काफी सारे वर्ड्स दिए हुए थे अपने को, ठीक है। अब बस अपने को ये देख के बताना था कि क्या ये जो वर्ड है वो कॉन्केटिनेटेड वर्ड है क्या। भैया कॉन्केटिनेटेड वर्ड का मतलब क्या हुआ, देखो समझो। जैसे कि जो कैट्स, डॉग कैट्स है, ठीक है, इसका देखो अगर अपन इसको तोड़े तो ये जो कैट्स है वो अलग से यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं, इस स्ट्रिंग में बोला हाँ भी है ये रहा। हाँ ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, बोला डॉग है या नहीं, बोला हाँ भी है डॉग भी है ये रहा। फिर अपन ने बोला दोबारा ये कैट्स आ गया, क्या ये प्रेजेंट है या नहीं, बोला हाँ। तो ये जो वर्ड है वो बेसिकली इसी स्ट्रिंग के बाकी वर्ड से मिलके बना है, ऐसा है कि नहीं, बोला हाँ है। तो अपना ये एक वर्ड हो गया जो कि ये रहा प्रेजेंट। ओके, फिर अपन ने बोला ये वाला देखो इसमें क्या है, डॉग कैट्स डॉग, तो ये डॉग ये रहा, कैट्स ये रहा, और फिर अगेन डॉग, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, बोला हिप्पोपोटामस प्रेजेंट था क्या, बोला नहीं था। फिर अपन ने बोला रेड, रेड भी प्रेजेंट नहीं था, रेड टुकड़ों में भी प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। फिर अपन ने बोला रेड कैट डॉग कैट ये प्रेजेंट था क्या, बोला हाँ ऑफकोर्स ये। देखो रेड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, कैट जो है वो ये रहा इनिशियली वाला। अच्छा, ये कैट और कैट्स में डिफरेंस है वा? ये बिल्कुल स्ट्रिंग जो है ना एग्जैक्टली सिमिलर होनी चाहिए, बोला ठीक है। फिर ये जो डॉग है वो ये रहा, फिर ये कैट है वापस ये रहा, ठीक है। हाँ, तो अपने को समझ में आ गया कि ये जो तीन वर्ड्स हैं वो प्रेजेंट थे अपने, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब क्वेश्चन समझ में आ चुका है, क्वेश्चन में किसी को डाउट होना चाहिए। अच्छा भैया, अब ये करेंगे कैसे, इसको अप्रोच करने का मेथड क्या सोचा है? बोला भैया बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है क्या, देखो समझो। एक काम करते हैं, देखो ये वाला पूरा वर्ड लेते हैं एक बार, कैट्स डॉग कैट्स, इसको समझो ध्यान से, ठीक है। अब देखो ये वाला अपन ने वर्ड लिया और अपने को क्या चेक करना है कि क्या ये कॉन्केटिनेटेड वर्ड है या नहीं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कॉन्केटिनेटेड वर्ड कहाँ कहाँ से हो सकता है, बोला भैया यहाँ पे है एक तो, और यहाँ पे है, ये बेसिकली तीन वर्ड से मिलकर बना है, ये तो अपने को पता है। लेकिन अब अपन इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपन अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे? देखो मुझे नहीं पता, कहीं पे भी हो सकता है कॉन्केटिनेटेड और हो सकता है नाम भी हो। तो अपन क्या करेंगे, बेसिकली अपन एक काम करते हैं, बोला सबसे सिंपल कि इस पूरे के पूरे वर्ड्स का जो एरे है ना इसको मैप में स्टोर करवा लेते हैं। बोला ओके, बोला हाँ मैप में क्या करते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसीज को काउंट करवा लेते हैं। तो बोला फ्रीक्वेंसी आपको ऐसी बात है यहाँ पे एक ही बार आएगा वैसे तो वर्ड, पर ठीक है आप काउंट करवा सकते हो। तो अपन क्या बोला, बोला कैट आ गया और कैट की फ्रीक्वेंसी बना गई, ठीक है। एंड सिमिलरली कैट्स आ गया, कैट्स की फ्रीक्वेंसी भी बना गई, एंड सिमिलरली जितने भी वर्ड्स हैं उन सबकी फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी अपने पास, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब एक काम करो ये जो वर्ड है ना, हाँ इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो। बोला ओके, इस वर्ड को दो टुकड़ों में तोड़ दो। बोले ठीक है, तो फर्स्ट तो कौन सा होगा, बोला ये, ठीक है, और बाकी की पूरी के पूरी में ये पूरी की पूरी सब स्ट्रिंग। बोला ओके, फिर अपन क्या चेक करेंगे कि क्या अपने जो सी है वो अलग से प्रेजेंट है क्या इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में। बोला भैया नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, बोला अब ये सी देख लिया, अब एक काम करो ये सी और ए देखो क्या ये प्रेजेंट है क्या। बोला ओके, हाँ अब ये सी और ए प्रेजेंट था क्या, बोला नहीं भैया ये भी प्रेजेंट नहीं था। बोला ठीक है, अब एक काम करो सी ए टी देखो क्या ये प्रेजेंट था। बोला हाँ भैया सी ए टी अपना प्रेजेंट था, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, बोला हाँ इतनी अपनी जो स्ट्रिंग है इतना जो अपना प्रीफिक्स है वो प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन क्या बोलेंगे, बोला अब एक काम करो एस देखो एस प्रेजेंट है क्या डिफरेंटली, पहले तो एस देखो। बोला नहीं एस अपना प्रेजेंट नहीं है। अब बताओ कि कैट्स अपना प्रेजेंट है क्या, बोला हाँ भैया कैट्स अपना प्रेजेंट है। ओके, फिर अपन क्या बोलेंगे, बोला इतना देख लिया, हाँ। फिर अपन बोलेंगे, बोला डी प्रेजेंट है क्या, बोला डी प्रेजेंट नहीं है क्या। अपना कैट्स डी प्रेजेंट है क्या, बोला कैट्स डी प्रेजेंट नहीं है। तो अपन इसको अलग से तोड़ देंगे, बोला यहाँ पे भी एक अपन मार्क कर सकते हैं। फिर अपन बोलेंगे डी ओ जी प्रेजेंट है क्या, मतलब डी पे चेक करेंगे, फिर डी ओ चेक करेंगे, दोनों प्रेजेंट नहीं है, फिर लास्ट में डी ओ जी चेक करेंगे, बोला हाँ डी ओ जी भी अपना प्रेजेंट है, ये रहा, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन वापस यहाँ पे चेक करने लग जाएंगे कि अपना सी प्रेजेंट है क्या, बोला नहीं सी अकेला प्रेजेंट नहीं है। फिर सी ए प्रेजेंट है क्या, सी ए टी प्रेजेंट है क्या, बोला हाँ ये प्रेजेंट था, और सी ए टी एस प्रेजेंट है क्या, बोला हाँ। तो फाइनली अपना क्या हुआ कि अपन इसके लास्ट वर्ड तक पहुंच गए, अपना जो लास्ट वर्ड है वो भी प्रेजेंट था, ठीक है, सारे के सारे अपने जो वर्ड्स थे वो प्रेजेंट हो पा रहे थे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोलेंगे, बोला हाँ ये जो वर्ड है वो किसी ना किसी वर्ड से मिलकर बना है। दोबारा समझते हैं इसको, कहीं पे डाउट हो रहा है ना, डाउट बिल्कुल नहीं रखना इसको, ठीक है। अपन क्या बोलते हैं, अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन ले, जैसे डॉग वाला है, ठीक है, डॉग कैट डॉग वाला है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, बोला डी से चलाओ, ठीक है, पहले अकेले डी को तोड़ो और इसको चेक करो कि क्या अपना डी प्रेजेंट है क्या।
बोला भैया डी प्रेजेंट नहीं है, अकेला डी प्रेजेंट नहीं है, इसमें कोई फॉरवर्ड था ही नहीं। ठीक है, अब डी और ओ को चेक करो कि अपना डी ओ डो प्रेजेंट है क्या। बोला नहीं, डो प्रेजेंट नहीं है अपना। ठीक है, अब बताओ ये डॉग प्रेजेंट है क्या। बोला हाँ भैया डॉग प्रेजेंट है। अब जैसे ही डॉग प्रेजेंट हो गया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करोगे आप, इस स्ट्रिंग को यहीं पे स्टॉप कर दो और फिर चेक करो कि आगे वाले स्ट्रिंग प्रेजेंट है क्या, कैट प्रेजेंट है क्या। बोला ओके, हाँ समझ में आ रही है ना। हाँ अब देखो जैसे इसमें हुआ, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जैसे कैट आया, ठीक है, तो कैट तक आते ही अपन ने क्या बोला, यहाँ पे रोक दिया और फिर अपन ने आगे वाली पूरी स्ट्रिंग को चेक किया, एस डी ओ जी एन सोन। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या पता चला कि ये पॉसिबल नहीं थी। क्यों पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि एस अपन ने नहीं जोड़ा था। तो फिर अपन ने क्या किया, बोले यहाँ तक तो जोड़ ही दिया था, उसके बाद में ये वाली स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी। फिर अपन ने देखा कि क्या कैट के आगे अगर अपन एस और लगा दे तो क्या पॉसिबल हो पाएगा। बोला हाँ कैट के आगे आप एस और लगा दोगे तो पॉसिबल हो जाएगा। बाकी का वापस अपन चेक करके देखें कि क्या हाँ अब पॉसिबल हो पा रही है कि बाकी की स्ट्रिंग। बोला हाँ पॉसिबल हो पा रही थी, तो अब अपन ने ले ली। बोला ओके ओके, अब यहाँ पे भी क्या हुआ कि अपन ने डॉग लिया, बोला डॉग एक स्ट्रिंग थी, बोला हाँ जो कि अपनी प्रेजेंट थी। बोला ठीक है, तो डॉग को तोड़ दिया और फिर अपने आगे का चेक किया कि क्या आगे का प्रेजेंट है। अगर आगे का प्रेजेंट है तो बहुत बढ़िया, और फिर अगर आगे का प्रेजेंट नहीं होता है तो फिर अपन क्या करेंगे, डॉग के अंदर सी को एड ऑन कराने की कोशिश करेंगे कि क्या डॉग्स प्रेजेंट है क्या। बोला नहीं, फिर डी ओ जी सी ए को चेक कर लेंगे क्या ये भी प्रेजेंट है क्या, फिर पूरा का पूरा चेक कर लेंगे क्या पता हो सकता है पूरे प्रेजेंट हो, टुकड़ों में प्रेजेंट ना हो। ठीक है, जो भी अपन सारी की सारी पॉसिबिलिटीज की चेक करें, बस इतना सही करें, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आते ही अपने क्या बोला, सबसे पहले तो अपन ने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया। भैया अनऑर्डर्ड मैप ही क्यों बनाया, मैप ही क्यों बना रहे हो। मतलब मैप में सर्चिंग टाइम कितना होता है, बोला ओपन, मतलब बस अपनी ये सारी सर्चिंग क्या हो गई, बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, फिर अपन एक फोर का लूप चलाया, फोर का लूप किसके ऊपर चला है, देखो इसको देखो, ये क्या है, वर्ड्स नाम का वेक्टर है। ठीक है, जिसके अंदर सारी की सारी स्ट्रिंग्स है प्रेजेंट, बस अपन ने उसी के ऊपर चलाया। ठीक है, हाँ उसके ऊपर चला दिया। अब हर बार अपने पास क्या है, एक ना एक वर्ड आया, बोला बिल्कुल सही बात है, उस वर्ड को क्या किया इस मैप के अंदर पुश कर दिया, मतलब मैप के अंदर उसको की बना लिया और उसके फ्रिक्वेंसी को प्लस प्लस कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात। बोला नहीं, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लिया रिजल्ट, जिसमें कि अपन अपना आंसर जो है रिटर्न करवा रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब एक फोर का लूप चलाओ किसके ऊपर, इस पूरे वर्ड्स के ऊपर। ठीक है, हाँ क्लियर था। फिर अपन ने क्या बोला, जैसे जो भी फर्स्ट वर्ड आया ना उसकी वर्ड का साइज काउंट कर लो, मतलब जैसे आया कैट, ठीक है, तो अपन कैट का साइज काउंट कर लिया कितना है, 3, क्योंकि अब अपन को इसको अलग अलग तोड़ेंगे ना, जैसे सी को अलग से लेंगे, फिर ए सी ए को लेंगे, फिर सी ए टी को लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अपने इतना समझ में आ गया था। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, वर्ड्स की साइज को ले लिया, मतलब वर्ड की साइज को ले लिया। फिर अपन ने क्या बोला, अब जो वर्ड की साइज है ना उसके लिए एक वेक्टर बना दिया अपन ने डीपी नाम का। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भैया, डीपी आ गया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नॉर्मली एक वेक्टर बनाया। अच्छा ये वेक्टर क्यों बनाया, बस ये वेक्टर इसलिए बनाया कि इतना वर्ड प्रेजेंट है या नहीं। जैसे मान लो समझो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सी ए टी है जैसे ये, फिर या फिर ये मान लो डॉग कैट है। ठीक है, डॉग कैट कितने लेटर्स है इसमें, बोला 6, तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, चलता रहेगा। फिर अपन ने क्या बोला, बोला डी अलग से प्रेजेंट नहीं था, डी ओ भी प्रेजेंट नहीं था, लेकिन डी ओ जी प्रेजेंट था, तो अपन क्या बोलेंगे, बोला हाँ ये वाली स्ट्रिंग प्रेजेंट है यहाँ पे, अपन इतनी में अगर यहाँ से 0 से अपन यहाँ तक चले तो एक स्ट्रिंग प्रेजेंट है, तो अपन इसलिए यहाँ पे क्या मार्क कर देंगे, 1। इसलिए बस अपन ये वेक्टर बना रहे हैं कि हाँ इतने में प्रेजेंट थी स्ट्रिंग। फिर मान लो डॉग्स प्रेजेंट होता और यहाँ पे एस होता तो अपन बोल देते हाँ यहाँ पे भी 1 मार्क कर दो कि ये वाली स्ट्रिंग भी प्रेजेंट है, बस। ठीक है, यहाँ पे क्या हाँ किया, बोला वो फिर वेक्टर अपन, और वेक्टर में इनिशियली क्या मार्क कर दिया, 0, बोला कोई भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, इनिशियली स्टेज पे इसको 1 मार्क किया। अभी ऐसे क्यों किया, ये देखो अभी आपको समझ में आएगा, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट अपन ने यूज किया आगे जिससे अपन उसको चला सके। देखो समझे इस बात को, क्या किया अपन ने कि उसको ना एन तक चलाया, मतलब पूरी साइज तक चलाया। ठीक है, तो जैसे डॉग कैट था तो अपन ने स्टार्ट किया यहाँ से और चलाएंगे अपन कहाँ तक, उसको 0 लास्ट तक। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, अब इसको ध्यान से समझो, इसको ध्यान से समझो, यहाँ पे अपन ने बोला कि अगर सफिक्स ही प्रेजेंट नहीं है तो प्रीफिक्स को चेक करने का मतलब नहीं है। दोबारा समझो, अगर सफिक्स ही प्रेजेंट नहीं है तो प्रीफिक्स को चेक करने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन ने यहाँ पे बोला, जैसे ये जो डॉग कैट है, ठीक है, अगर अपना डी ही अगर अपना इस वेक्टर में, इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में, ठीक है, तो फिर क्या अपना मतलब है कि अपन ओ जी सी ए टी को चेक करें, अगर ये प्रेजेंट हुआ तो कोई सेंस बनाता है। बोला नहीं नहीं कोई सेंस नहीं बनाता, तो वही अपन कि बोल अगर रहे हैं कि अपना प्रीफिक्स ही सफिक्स, प्रेजेंट ना हो तो आप सफिक्स को चेक करो ही मत। दोबारा समझो, प्रीफिक्स ही प्रेजेंट ना हो तो सफिक्स को चेक करो ही मत, बस वही वाला काम अपन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसने क्या बोला, बोला पहले ये बताओ कि अभी जहाँ पे आप खड़े हो उतने का प्रीफिक्स पॉसिबल था या नहीं। तो अब इनिशियली अपन ने क्या बोला, इनिशियली तो अपन ने पूरा प्रीफिक्स वाला जो वेक्टर है उसको 0 मार्क कर दिया है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट पोजिशन पे 1 मार्क किया था। बोला हाँ मान लो ये जो डी है ना वो प्रेजेंट है, मान लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, अब एक काम करो फोर का लूप चलाओ कहाँ से, बोला ये जहाँ पे भी आप खड़े हो ना इसके नेक्स्ट स्टेप से। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो आई प्लस 1 से चला, मतलब अब ये डी कहाँ से चल रहा है, ओ से, मतलब ये जो फोर का लूप चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, ओ से। ठीक है,
ओ से चला, फिर अपन ने क्या चेक किया, मतलब ओ से चलाओ लास्ट तक जाओ और हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चेक करो सबसे पहले तो कि जे माइनस आई लेस देन एन ना हो जाए, मतलब ये वही कि अपन स्ट्रिंग से आगे ना चल जाए, और हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चेक करो कि जो वर्ड की स्ट्रिंग है आई से जे माइनस वन तक की, ठीक है। आई से जे माइनस वन मतलब कि ये जीरो से, आई अपना जीरो पे है तो जीरो से जे माइनस वन कितना है, बोला जे माइनस वन मतलब कि वन मतलब एक जो साइज है, मतलब सिर्फ और सिर्फ डी चेक हो रहा है यहाँ पे कि क्या आपने डी प्रेजेंट है क्या, बोला नहीं भैया डी प्रेजेंट नहीं है, फिर डी ओ जी प्रेजेंट है क्या, ऐसे सिमिलरली अपन सब पे चेक करते रहेंगे। अच्छा भैया उसके बाद में फिर ये लास्ट तक चेक करेंगे और ये दोबारा फोर का लूप, इसका मतलब समझ में नहीं आया। देखो इसको समझो, अपन ने क्या किया कि अपन ने ऐसे चेक किया डी ओ जी प्रेजेंट है, डी ओ प्रेजेंट है क्या, फिर डी ओ जी प्रेजेंट है क्या, इन सिमिलरली अपन चलते रहे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि अपन कैट तक चले, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ कैट तक चले। अब कैट तक चलते ही अपने क्या है, कैट प्रेजेंट हो गया, हाँ कि ना, बोला हाँ। फिर अपन ने क्या बोला, बोला कैट्स भी प्रेजेंट हो गया, हाँ भैया ये दोनों प्रेजेंट हो गए। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है कि अपना जो कैट है ना, एक मिनट सॉरी, अपन ने क्या बोला, बोला अगर अपन इसका वेक्टर बनाए तो अपन ने क्या बोला था, बोला जीरो मतलब सिर्फ और सिर्फ सी प्रेजेंट नहीं है, सी ए प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सी ए टी प्रेजेंट है। तो अपना एक बार वेक्टर तो कब चलेगा, जब वो सी ए कैट टी को को लेके लेगा, और ठीक बाकी है, कैट को तो अलग से छोड़ेगा और पूरी की पूरी सफिक्स को चेक करने जाएगा, बोला ये प्रेजेंट है या नहीं, बोला हाँ। और फिर अपन ने क्या बोला, बोला कैट्स भी प्रेजेंट है, कैट्स भी अपना एक पॉसिबिलिटी है। तो फिर वो एक बार क्या करेगा, बोला पूरी की पूरी कैट्स को लेगा, हाँ, और यहाँ पे चेक करेगा कैट्स को छोड़ के कि पूरे के पूरे ये जो डॉग और कैट्स है प्रेजेंट है या नहीं, बोला हाँ। देखो इसमें क्लियर होना चाहिए, एक बार दोबारा समझ लो इसको, थोड़ा सा भी डाउट हो तो। अपन ने क्या बोला, बोला पहले सिर्फ और सिर्फ सी लिया, ठीक है, सी को अपन ने चेक किया कि आगे चेक कर लो कि क्या सी ए प्रेजेंट है क्या, सी ए टी प्रेजेंट है क्या, क्या ये कैट्स प्रेजेंट है क्या, हो सकता है यहाँ पे कैट्स डॉग एक साथ कोई वर्ड होता तो वो प्रेजेंट है क्या। तो अपन ने क्या बोला उसके लिए, बोला एक काम करो सी के लिए चेक करो क्या ये प्रेजेंट है, तो डीपी में मार्क कर दो, बोला नहीं है प्रेजेंट। सी ए टी के लिए मार्क, सी ए के लिए मार्क करो, बोला नहीं है प्रेजेंट। सी ए टी, बोला हाँ ये प्रेजेंट है। तो अपने यहाँ पे एक बार वन मार्क किया है, फिर अपन ने बोला कैट्स, हाँ बोला ये भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अपन ने दोबारा वन मार्क किया। अब क्या होगा, ऐसे अपन ने पूरे में मार्क कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ कि अब जैसे ये आया सी ए, ठीक है, जैसे इसको सी ए मिलेगा ये चेक करेगा कि क्या ये प्रेजेंट था, बोला नहीं था, तो इसको चेक ही नहीं करेगा। फिर ये बोला, बोला हाँ सी ए टी, बोला हाँ सी ए टी एक बार प्रेजेंट था, ठीक है, सी ए टी एक बार प्रेजेंट था। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ ये वाला जो प्रीफिक्स है ये पॉसिबल है, इसके लिए सफिक्स को चेक कर लो, हाँ कि ना, बोला हाँ 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 फिर एक बार, फिर इसके लिए तो इसको नहीं मिलेगा, ऑफकोर्स सी बात है, क्योंकि एस जो है वो नहीं मिलेगा इसको। फिर इसने क्या बोला, बोला कैट्स भी बनाए प्रेजेंट था एक बार, हो सकता है कैट्स के बाद में प्रेजेंट हो, तो एक काम करो आप कैट्स को छोड़ दो और बाकी को चेक कर लो, बोला हाँ ये मिल गया। समझ में आई ना बात, बस भाई 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 भाई, ठीक है। और फिर लास्ट में अपन बोल देंगे कि जिसका भी डीपी में लास्ट वाला टर्म है वहां तक अगर वन आ गया है, इसका मतलब अपनी पूरी की पूरी कॉन्कैटिनेटेड वर्ड्स है, और और जहां जहां पे भी अपन लास्ट तक पहुंच गए उधर क्या करा, अपने रिजल्ट के अंदर पुश बैक कर दिया, और जहां पे भी पॉसिबल हो गया, जहां पे भी अपने को कॉन्कैटिनेटेड वर्ड मिल गए वहां पे अपन क्या करा देंगे ब्रेक, बोलो ठीक है हो गया, बस इसको अपन सबमिट करके देख लेते एक बार। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखो बड़े आराम से सबमिट हो रहा है।